लोकसभा चुनाव के मौसम में कांग्रेस से नेता ऐसे निकल रहे हैं जैसे मुट्ठी से सूखी रेत। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक पर एक उनके सारे विकेट आउट हो रहे हैं। सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के बाद भी कई दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़ दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि हाथों की उंगलियां कम पड़ जाए। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी से आखिर ये सारे नेता टाटा बाय बाय क्यों बोल रहे हैं? पार्टी में मची इस भगदड़ के पीछे का कारण क्या है? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक 1500 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। पहले आपको कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट बताते हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ किस पार्टी का दामन थामा और कांग्रेस छोड़ने के पीछे उन्होंने क्या कारण बताया। लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है, जिसमें पहला नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वर्तमान के केंद्रीय मंत्री और चार बार सांसद रह चुके सिंधिया ने 18 सालों बाद 2020 में कांग्रेस पार्टी से मुंह मोड़ लिया। सिंधिया की नाराजगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति और पार्टी के फैसले से जुड़ी हुई थी। 2020 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया और मार्च में बीजेपी ज्वाइन कर ली। गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने 2022 में एक लंबा चौड़ा लेटर लिखकर पार्टी छोड़ी और फिर अपनी एक नई पार्टी बना ली। कपिल सिब्बल ने 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद के तौर पर नामांकन भरा था। राहुल गांधी हार्दिक पटेल को 2019 में कांग्रेस में लेकर आए थे, लेकिन 2022 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। आचार्य प्रमोद कृष्णम। प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी के लिए निलंबित कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से नाखुश थे। आरपीएन सिंह। यूपी से कांग्रेस नेता और केंद्र में मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ अपने आप को बीजेपी से जोड़ लिया। आरपीएन सिंह भी पार्टी की कार्यशैली से नाराज थे। जितिन प्रसाद। कांग्रेस से केंद्र में मंत्री और सांसद रह चुके जितिन प्रसाद ने भी 2022 में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, फिर बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सुरेश पचौरी पिछले 56 सालों से कांग्रेस के साथ थे। वो चार बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने जा चुके थे और केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन उन्होंने भी 2024 में कांग्रेस का इतने लंबे सालों का साथ छोड़कर बीजेपी से जुड़ने का फैसला लिया। मिलिंद देवड़ा। मनमोहन सिंह सरकार में केंद्र में मंत्री रह चुके मिलिंद देवड़ा ने जनवरी 2024 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया। मिलिंद देवड़ा भी उन कांग्रेसी नेताओं में शामिल थे जो पार्टी की कार्यशैली से नाराज थे। ये लिस्ट अभी यही खत्म नहीं होती। लिस्ट में अमेठी से सांसद और विधायक रहने वाले संजय सिंह, महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े शहरों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व महाराष्ट्र अध्यक्ष और सांसद रह चुके अशोक चव्हाण, उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल, पंजाब के लुधियाना सीट से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के करीबी अमरिंदर सिंह की पत्नी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता परनीत कौर, कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके टॉम बटकन, असम से सांसद रह चुकी और कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़ी रही सुष्मिता देव, कांग्रेस में प्रवक्ता रह चुकी प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोढ़वाडिया, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके संजय निरुपम, मुक्केबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह, वाराणसी से कांग्रेस के सांसद रह चुके राजेश मिश्रा, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी, लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री, कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रह चुके रोहन गुप्ता, पार्टी के अनुभवी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार, पंजाब कांग्रेस इकाई का नेतृत्व करने वाले सुनील जाखड़, कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकुर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल और कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई जैसे नेताओं का नाम पार्टी छोड़ने की लिस्ट में शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या हो रहा है जो इतने सारे नेता एक एक कर पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। तो बता दें कि कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व और खास तौर पर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पार्टी में अब तो ना इच्छा शक्ति बची है और ना ही काबिलियत। लगातार पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया जा रहा है। कई नेताओं ने अपने इस्तीफे में ये तक लिखा कि राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को मिलने का समय नहीं देते और वो कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात भी नहीं सुनते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी से नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है।
लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा देरी नहीं है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस पर संकट के बादल भी गहराते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अगर कांग्रेस के हालात नहीं सुधरते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब देश की सबसे पुरानी पार्टी का नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह जाएगा।